नीट टॉपर कौन नहीं बनना चाहता, नीट में 650 प्लस 680 प्लस कौन नहीं स्कोर करना चाहता, लेकिन टॉपर बनने के लिए या फिर 650 प्लस स्कोर करने के लिए जो एफर्ट्स चाहिए होते हैं, जो हार्डवर्क पुट करना होता है, जो डेडिकेशन चाहिए होती है, यहीं पर हर बच्चा स्टैंड नहीं कर पाता है। और इसीलिए हर साल लगभग 16 लाख 18 लाख बच्चे पेपर तो देते हैं, लेकिन हर एक बच्चा अपने टारगेटेड मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुँच पाता है। Hey everyone, welcome to Biology ATs। पिछले 3 सालों से अपने YouTube चैनल पर नीट टॉपर्स के इंटरव्यूज लेने के बाद जो उनकी स्ट्रैटेजी और स्टडी प्लान सुनकर मैं जिस कंक्लूजन पर आई हूँ, वो पॉइंट्स आज की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, ताकि चाहे आप नीट 2023 एस्पिरेंट हैं, नीट 2024 एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों को सीक्रेट स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पता चल सके जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं, और आप लोग भी एक बार उन्हें ट्राई कर सके। हो सकता है ये आप लोगों के लिए भी काम आए और आपका मेडिकल स्टूडेंट बनने का सपना पूरा कर जाए। सबसे पहली चीज, मेरे बच्चे, आप लोगों ने मुझे हर वीडियो में कहते हुए सुना होगा कि डेली टारगेट सेट किया करो, खुद को चैलेंज दिया करो कि टाइम पर मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाए, चैप्टर वाइज यूनिट वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा करो। ये तो कुछ कॉमन पॉइंट्स है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको आपको बिल्कुल ध्यान देना ही देना है, जो शायद अभी तक मैं भी मेरी पुरानी स्ट्रैटेजी वीडियोस में आप लोगों को बताने से चूक रही थी। उनमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो नीट टॉपर बच्चा होता है ना, मेरे बच्चे, वो हर एक मॉक टेस्ट को कुछ इस तरीके से अटेम्प्ट करता है, कुछ इस सिंसियरिटी के साथ अटेम्प्ट करता है जैसे वो नीट का पेपर दे रहा हो। जब तक वो सीरियसनेस, वो सिंसियरिटी नहीं आएगी आपके मॉक टेस्ट देते हुए आप में, तब तक आपकी प्रेपरेशन का लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। एक सीरियस नीट एस्पिरेंट जितना टाइम मॉक टेस्ट पेपर को देने में लगाता है, लगभग उतना ही टाइम वो बच्चा मॉक टेस्ट के एनालिसिस में लगाता है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मुझसे गलत हो रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन मैं बार बार प्रैक्टिस करूंगा ताकि उन पर्टिकुलर क्वेश्चन पर, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर मेरी कमांड अच्छी हो सके। कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझसे इजिली बन पा रहे हैं, यानी कि ये सारे टॉपिक्स मेरे स्ट्रांग है, तो एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और हर एक मॉक टेस्ट पेपर को, चाहे वो यूनिट वाइज हो, टॉपिक वाइज हो, चैप्टर वाइज हो, कुछ इस तरीके से देने लग जाओ कि तुम अपने एग्जाम डे के दिन नीट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। दूसरी चीज, एक रिकॉर्ड नोटबुक अपने पास बना दो, जहां पर मॉक टेस्ट देने के बाद आप लिखोगे कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे गलत बन रहे हैं, और उन टॉपिक्स को हो सके तो हर हफ्ते या फिर हर 15 दिन में रिवाइज करोगे, क्योंकि यही वो टॉपिक है जो कि तुम्हारा स्कोर को गिरा सकते हैं। जब हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं ना, तो हम खुद को पनिश बड़ा करते हैं, रिग्रेट में चले जाते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं कि शायद मेरा नीट क्रैक नहीं हो पाएगा, मेरी तो बस की ही नहीं, मैं डिजर्व ही नहीं करता नीट क्रैक करना। लेकिन जब हम कुछ अच्छा अचीव कर जाते हैं, सपोज किसी मॉक टेस्ट में हमारे अच्छे नंबर आ जाते हैं, क्या हम खुद को शाबाशी देते हैं? तुम आउटर अप्रिसिएशन का वेट मत करो, सबसे पहले खुद को खुद से अप्रिशिएट करना सीखो। जब गलतियां होने पर तुम खुद को खुद से पनिश करते हो, तो तुम इतना तो डिजर्व करते हो ना कि अगर तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो उसमें खुद को एक शाबाशी दे सको। तो तुम मेन रिजल्ट का वेट मत करो कि नीट के पेपर में जब मेरे 600 650 प्लस स्कोर आएंगे तभी जाकर मैं खुद को शाबाशी दूंगा। तुम्हारे हर छोटे छोटे एफर्ट्स में खुद को अप्रिशिएट करना सीखो। ये अप्रिसिएशन कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए मोटिवेशन का काम करेगी और तुम्हारी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में काफी ज्यादा मदद करेगी। मैं अपनी लगभग हर स्ट्रैटेजी मोटिवेशनल वीडियो में कहती हूं कि प्रिपरेशन के दौरान तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम तुम हो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें पेपर देने एग्जाम हॉल में उस नीट एग्जाम डे के दिन बैठना है। तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति हो मेरे बच्चे। जब तक वो इनर मोटिवेशन नहीं जागेगी ना, तब तक कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, कोई भी यूट्यूबर, एजुकेटर, किसी की भी कोई भी सलाह तुम पर काम नहीं करेगी। तो अपना साथ देना, जब लोअर मॉक टेस्ट आता है खुद को समझाना कि मेन पेपर आने में अभी टाइम है, मैं इंप्रूव करूंगा तो मेरे मार्क्स अच्छे हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस लूज मत होने दो, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज होगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रिपरेशन में रुकावटें जरूर आएंगी। किसी भी नीट टॉपर का इंटरव्यू उठा लो, हर एक नीट टॉपर ये बोलता है कि मैंने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। यानी कि इन शॉर्ट, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चले जाओ, कितनी भी रेफरेंस बुक क्यों ना खरीद लो, जब तक एनसीईआरटी पर कमांड अच्छी नहीं है तब तक 650 प्लस का गोल तुम्हारा अधूरा है। तो इस प्रेपरेटरी फेज में अगर तुम्हें सीरियसनेस के साथ किसी के साथ कमिटेड होना है तो वो तुम्हारी एनसीईआरटी है। देखो, कभी तुम पढ़ते हुए ब्रेक भी लेते हो ना, सपोज तुमने 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया, तो उस ब्रेक टाइम में भी बस एनसीईआरटी की बुक खोलो, किसी भी डायग्राम की लेबलिंग देखने लग जाओ, उस डायग्राम के नीचे मेंशन किए हुए कैप्शंस देखने लग जाओ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में नॉलेज जा रही होगी और वो नॉलेज तुम्हारे नीट एग्जाम डे के दिन बहुत ज्यादा काम आने वाली है। प्रोकेस्टिनेशन से जितना हो सके दूर रहना। जितना तुम अपने डेली टारगेट्स को प्रोकेस्टिनेट करोगे कि यार कल कर लूंगा, परसों पढ़ लूंगा,
उतना ही तुम्हारा नीट क्रैक करने वाला गोल तुम्हें पीछे कर रहा होगा। ये छोड़ ना नीट 2023, 2024 क्रैक कर लेना, 2025 क्रैक कर लेना। तो ये सोच लेना कि जितना तुम अपनी प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट करोगे उतना ही तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। प्रिपरेशन अच्छी रखो, रिजल्ट खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। आखिरी चीज जो मुझे टॉपर इंटरव्यूज के जरिए पता चली है वो ये कि बच्चों कितने ही कोचिंग मॉड्यूल्स क्यों ना ले लो, कितनी रेफरेंस बुक्स क्यों ना ले लो, आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़कर नीट टॉपर नहीं बना जाता। एनसीईआरटी पर कमांड अच्छे रखते हुए नीट टॉपर बना जाता है। एनटीए ने जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस आप लोगों को बताया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग प्रिपरेशन करो। क्लास 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक्स में जो टॉपिक्स मेंशन्ड है बस उन्हीं टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, इतना सफिशिएंट है तुम्हें तुम्हारे टारगेटेड स्कोर तक पहुंचाने के लिए। बायोलॉजी की क्लास 11th 12th डिफिकल्ट टॉपिक्स की वीडियोस मैं अपने चैनल पर लगातार अपलोड कर रही हूं बच्चों। क्लास 12th जेनेटिक्स बच्चों को काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगती है तो अभी तक उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड करे हुए हैं। आप लोग मेरे चैनल पर बायोलॉजी क्लास 12th जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर आप लोगों को लगभग 350 प्लस पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। हर एक पीडीएफ फाइल में 50 प्लस क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज यूनिट वाइज क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को अवेलेबल कराए हुए हैं। लगभग 35,000 प्लस क्वेश्चंस आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड पीडीएफ के जरिए सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इसी के साथ साथ मेरे नीट बायोलॉजी शॉर्ट देसी ट्रिक सीरीज नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको भी आप लोग जरूर चेक करिएगा। डिफिकल्ट टॉपिक्स को याद करने के शॉर्ट ट्रिक्स मैंने वहां पर बताई भी है। स्टे ट्यून टू बायोलॉजी एटीज। आपको आपके गोल तक पहुंचाने के लिए सिर्फ आप एफर्ट्स पुट नहीं करोगे, मैं भी मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि जितना हो सके जल्द से जल्द आपके मेडिकल स्टूडेंट बनने का सपना पूरा करवा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।